नमस्ते एवरीवन, आप सबका स्वागत है चैनल पर। और आज का वीडियो है जो घर पर ग्रॉसरी बैग्स आते हैं या प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं या बहुत सारे पेपर बैग्स होते हैं, वो कैसे हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो काम पर हमें आसानी से मिल भी जाएं और देखने में बहुत सुंदर भी लगे। तो शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रॉसरी बैग्स या इस तरह के जो थैले छोटे छोटे सामान के साथ आते हैं उन्हें हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसे हम कपड़ों की तह लगाते हैं इस तरह से जैसे दिखाया गया है, आप उसको फोल्ड कीजिए और छोटे से एक कॉम्पैक्ट फोल्ड में ये बन जाएगा। अब इसे बड़े आराम से आप किसी भी छोटे साइज की बास्केट में फिट कर सकते हैं। देखिए ये दूसरा बैग है, ये प्लास्टिक बैग है, इसको भी सेम इसी तरह से आप एक रेक्टेंगुलर फोल्ड में आराम से फोल्ड करके बास्केट में रख सकते हैं। जनरली ग्रोसरी बैग्स जब हम लाते हैं तो इनका हमें कॉस्ट पे करना होता है, तो इन्हें संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, ये वक्त पे बहुत काम आते हैं। इसी तरह से हम सारे बैग्स को फोल्ड करके एक आप उसी साइज़ की बास्केट यूज़ करिए जितने आपके पास बैग्स रहते हैं, और हम उन्हें इस तरह से सारे फोल्ड करके एक ही बास्केट के अंदर रख लेंगे। ये देखिए कितना कॉम्पैक्ट और हैंडी लग रहा है, सारे ग्रॉसरी बैग्स बहुत छोटी सी जगह में आ गए हैं। और देखिए कितनी आसानी से इनको आप निकाल सकते हैं। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बैग्स रहते हैं तो आप उसके दो बिन्स भी बना सकते हैं, छोटे बैग्स अलग रख सकते हैं, बड़े बैग का अलग बना सकते हैं। अगर इस तरह की बास्केट नहीं है तो ये आप कोई भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लें और उसको रैप कर लें। ये DIY बिन है, अब देखिए बड़ी आसानी से ये सारे निकल जाएंगे और इस तरह से भी आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं ये जो पॉलीथीन बैग्स जो आते हैं हमारी सब्जियों के साथ, ये बहुत काम आते हैं गार्बेज बिन में यूज़ करने के लिए, तो इनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके दो तरीके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तरीके में आपको कोई भी एक प्लास्टिक बॉटल, खाली पेप्सी, कोक, फिनाइल, कोई भी एक प्लास्टिक की बॉटल जो खाली है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाकू को गर्म करिए कैंडल के ऊपर या गैस के ऊपर और इसका आगे से जो कैप वाला हिस्सा है उसको कट कर दीजिए। थोड़ा सा आपको नाइफ शार्प लेना होगा, प्लीज बी केयरफुल जब आप इसे कर रहे हैं। आगे से बस हमें कैप वाला हिस्सा जो है वो रिमूव कर देना है। ये देखिए अब आगे से उसको आप कैंडल से थोड़ा सा गर्म अगर करेंगे तो एजेस बहुत स्मूथ हो जाएंगे, उससे आपका हेड नहीं कट होगा। इसी तरह से अब आप इसका बैक पोर्शन भी कट करके रिमूव कर दीजिए। अब ये एक बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली पॉलीथीन डिस्पेंसर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस तरह का एक खाली कोई जग या जार ले सकते हैं। अब बस मुझे इसका बॉटम में छोटा सा सर्कुलर एक कट लगाना है, तो इस तरह से आप इसे गर्म कर लीजिए बेस को, और फिर उसे अगर आप फिर तब आप नाइफ की हेल्प से कट करेंगे तो वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। ये थोड़ा टफ प्लास्टिक है तो कट करने में थोड़ा सा, तो बेटर है आप उसे गर्म कर लें। अब देखिए ये कितने आराम से बाहर निकल रहा है, एक बहुत ही फाइन होल इसके अंदर हो गया है। तो ऐसा कोई स्पेयर जग या जार आपके पास है तो वो बहुत अच्छा और सुंदर प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर तैयार हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए अब ऐसे ऊपर से हम इसमें जब भी कोई पॉलिथीन हमारे पास होगी सिर्फ ऊपर से इंसर्ट कर देंगे और नीचे वो प्रेशर की वजह से अपने आप पॉलिथीन नीचे पुश हो जाएगी और आप उसे इस तरह आराम से नीचे से पुल कर सकते हैं। इन डिस्पेंसर्स को यूज़ करने के लिए आप इनमें बस एक छोटा होल बना लें चाकू की सहायता से, एक एक होल, और किसी भी जगह जहाँ पर कोई भी हैंग करने का जगह है वहाँ टांग दें। चलिए दूसरा मेथड दिखाती हूँ। जैसे पहले मेथड में हमने
बैग्स को फोल्ड किया था सेम मेथड में, पॉलिथीन बैग्स को भी हम फोल्ड करके इस तरह से किसी बिन में आराम से स्टोर कर सकते हैं। यह भी बहुत हैंडी और आसान तरीका है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने का। ये देखिए सारे पॉलिथीन बैग्स को फोल्ड कर लिया है। कोई भी एक रेक्टेंगुलर छोटा सा बॉक्स ले लीजिए और अब उसमें आराम से इनको ऑर्गेनाइज करके रख लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पेपर बैग्स होते हैं या गिफ्ट बैग्स होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, समय में हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इनको रखने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, हमें इन्हें फोल्ड करके एक बिन में स्टोर रखना है। ये देखिए बस इसे एनवलप की तरह सील कर लेना है फोल्ड करके। मैं दूसरे पेपर पे भी आपको दिखाती हूँ। आराम से इसको ऊपर से हाफ फोल्ड कीजिए और जो इसका नीचे का हिस्सा है उसे अंदर प्रेस कर दीजिए इसके, तो एक ये एनवलप के जैसे सील लॉक हो जाएगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट पेपर बैग स्टोरेज के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए कितने आराम से अब आप इसे जैसे चाहें अब स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने जितने भी पेपर बैग्स हैं सबको फोल्ड कर लीजिए। अब हमें एक बड़े बास्केट या DIY बिन आप कार्डबोर्ड से बनाकर ले लीजिए, जहां आप इन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख सकें। सारे पेपर बैग्स को इसी तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। पहले देखिए एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसको मैंने बस एक ओल्ड बेडशीट से रैप कर लिया है। आगे इसमें ग्रोसरी बैग है, साइड में प्लास्टिक बैग भी अरेंज कर लिए हैं और पीछे जो स्पेस बचा है वहाँ मैं ये पेपर बैग्स फोल्ड करके रख लूँगी। देखिए कितना फैल जाता है ये सब सामान और वक्त पे काम नहीं आता। अब सब कितना अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है और एक ही जगह सारा। कुछ आ गया है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। आप इस बास्केट को किसी भी ड्रॉअर या अलमीरा में आराम से रख सकते हैं। और आप एक काम आपको करना है कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जा करके ज़रूर देखें। और मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।